अस्सलामुअलैकुम। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है यह है स्केल्स ऑफ थर्मामीट्री। अगर स्केल्स ऑफ थर्मामीटर को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बेटे सिर्फ उसे शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पास्ट पेपर में काफ़ी दफ़ा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। अच्छा, ये बड़ा बहुत ही आसान टॉपिक है। अब इसमें करना क्या है कि आपने 3 स्केल्स होते हैं थर्मोमीट्री के। थर्मोमीट्री आपको मतलब पता है, थर्म आगे वर्ड लिखा है मीटरी, थर्म मीन होता है हीट या टेम्परेचर, हीट या फिर टेम्परेचर, और आगे वर्ड लिखा है मीटरी, मीटर से निकला है, मीटर का मतलब होता है मेयरमेंट, पैमाइश, मेयरमेंट। वो कौन से स्केल्स हैं जो कि टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? बेसिकली 3 स्केल जो कि आपने पढ़े हुए हैं, एक डिग्री सेंटीग्रेड है, फॉरेनहाइट स्केल है और केल्विन है। इन 3 स्केल्स में सब में एक स्केल को सीख लोगे ना, बाकी तीनों स्केल में हमने बातें सेम करनी है, बाकी जो 2 स्केल्स बचेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल, अगर सेल्सियस स्केल की बात की जाए बच्चे, सब में ना सेम बातें हैं, मैं फिर कह रहा हूँ सब में सेम बातें हैं। पहली बात आपने ये करनी है कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उस स्केल में उसको कितने हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। ये 3 बातें हैं जो सारे स्केल्स में करनी है। सबसे पहली बात बच्चे, सेल्सियस स्केल में अगर देखा जाए तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह करके सेल्सियस के ऊपर सर डिग्री का निशान लगा देते हैं, सही है, जिसको डिग्री सेंटीग्रेड भी कहते हैं, सही है। तो सबसे पहली बात मेल्टिंग पॉइंट कह लो या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे जो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का वो कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है एट 1 atm प्रेशर, एट 1 atm प्रेशर। चलो ये प्रेशर भी साथ मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि प्रेशर चेंज होने से ना बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट वगैरह चेंज हो जाते हैं। इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1 atm प्रेशर। 1 atm प्रेशर पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा इस स्केल में। इसके बाद देखो, इट इज डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल पार्ट्स, 100 इक्वल पार्ट्स। भैया कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखे, इसका सबसे साधारण तरीका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट जो भी हो ना और बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 है, मेल्टिंग पॉइंट जो भी हो इसको माइनस कर दो, आग के पार्ट्स आ जाएंगे। 100 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रखा है, कितने पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर रखा है, 100 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रखा है। भाई ये 3 बातें आपने यहाँ पर लिख लेनी है, फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का क्या है, ये मेल्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं इसको, इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट क्या है, और लास्ट में हमारे पास क्या है जी, इसे कितने हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। नेक्स्ट आ जाए केल्विन स्केल। केल्विन स्केल, अच्छा केल्विन स्केल की बात की जाए, इसमें पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273 केल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 273 केल्विन एट 1 atm प्रेशर। 1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर पर पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 273 है। अब इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन एट 1 atm प्रेशर। 1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 373 केल्विन। अच्छा अब मुझे खुद सोच के बताओ, कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, बॉइलिंग पॉइंट को फ्रीजिंग पॉइंट में से माइनस कर दो, 273 या 373 है, क्या आ जाएगा, 100। दिस स्केल इज डिवाइडेड, इस स्केल को हमने डिवाइड कर रखा है, डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, इसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। लो ये 3 बातें होगी, और केल्विन स्केल को आपको पता है के से रिप्रेजेंट करते हैं,
जिसके साथ आप इस तरह करके लिख लीजिएगा। और लास्ट वाला स्केल हमारे पास क्या बच जाता है, फारेनहाइट स्केल। फारेनहाइट स्केल सिर्फ एक काम कीजिएगा बच्चे, थोड़ा सा ये है कि फारेनहाइट स्केल के स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा बस, बाकी सारा कुछ सही है। फारेनहाइट स्केल, अच्छा फारेनहाइट स्केल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको एफ़ लगा के ना, एफ़ के ऊपर सर डिग्री का साइन लगा देते हैं, ये फारेनहाइट स्केल की रिप्रेजेंटेशन है। अब बातें तीन वही हैं, पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, और इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। इस स्केल में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 32 फारेनहाइट स्केल एट 1 atm प्रेशर। 1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर पर पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 1 atm, सॉरी 32 फारेनहाइट स्केल। इसके बाद बात आ जाएगी नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट की, ये वैल्यूज याद रखनी पड़नी है आपको सारे की। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 212 फारेनहाइट स्केल, 212 फारेनहाइट स्केल है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का एट 1 atm प्रेशर, एट 1 atm प्रेशर। और लास्ट वाली चीज़ हमारे पास क्या है, कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो इन दोनों को माइनस करो तो हमारे पास आंसर आएगा 180, 212 माइनस 32 इज इक्वल टू 180 करके देख लीजिएगा, सही है। तो मतलब इसको कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा है, इट इज डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स। लो ये ख़त्म, ये तीन तीन बातें सब में याद रखनी है, सही है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट बात जो सीखने वाली है, वजह आपको ना सेल्सियस से केल्विन निकालना चाहिए, केल्विन से फारेनहाइट स्केल, मतलब इन टेम्परेचर के दरमियान में कन्वर्जन भी आना चाहिए। एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, मैं कहता हूँ दो फार्मूले याद रखने आपने। दो फार्मूले कौन से हैं, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, ये एक फार्मूला है। इसके बाद टेम्परेचर इन फारेनहाइट स्केल निकालना चाहते हैं इज इक्वल टू 9/5 टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, ये दूसरा फार्मूला। ये दो फार्मूले याद रख लो, आपको सारे के सारे फार्मूले निकालने आ जाएंगे। अच्छा कोई बंदा आपसे ये पूछे, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाने के बाद वो कहते हैं जी आपको बुखार है 100 पे 100 पे बुखार है, आपको 101 बुखार है, 102 बुखार है, वो कौन सा इन तीनों स्केल में से कौन सा स्केल यूज़ कर रहा होता है भाई? वो याद रखिए वो फारेनहाइट स्केल होता है। वो कौन सा आता है, फारेनहाइट स्केल होता है, सही है। और डिग्री सेंटीग्रेड में इंसान का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, और केल्विन में भी आपको पता होना चाहिए, 273 ऐड करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। चलो अब ना हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे, क्या कैलकुलेशन करेंगे, मैं कहता हूँ जी 100 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट कर दो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट स्केल में। चलो जी 100 डिग्री सेंटीग्रेड किस में कन्वर्ट करना है, फारेनहाइट स्केल में। तो लेट्स स्टार्ट, किस तरह कन्वर्ट होता है, तो आपने सबसे पहले फार्मूला लगाओ, टेम्परेचर इन फारेनहाइट स्केल निकाला जाता है 9/5 टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, 9/5 टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड कितना है, 100 प्लस 32, इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9 × 20 + 32, 9 × 2 = 18, 180 जमा 32, और ये इन दोनों को ऐड करोगे 212 फारेनहाइट स्केल। ये पहले हमने कैलकुलेशन कर लिया। चलिए मैं एक और बात करता हूँ, माइनस, चलो 50 फारेनहाइट स्केल को, चलो 82 फारेनहाइट स्केल को, 82 फारेनहाइट स्केल को कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री सेंटीग्रेड में, किसमें, उसका बिल्कुल ऑपोजिट कर लिया। तो लेट्स स्टार्ट, किस तरह करते हैं, सबसे पहले तो आप फार्मा लिखोगे, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड फारेनहाइट स्केल इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। आप देखो आपको ये वाली चीज़ मालूम करनी है, ये वाली चीज़ दी हुई है, टेम्परेचर फारेनहाइट स्केल कितना है, 82 फारेनहाइट स्केल, आप इसकी जगह 82 रखो, 82
इज इक्वल 9/5 टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। 32 को उठा के साइड में लेके जाओगे क्या आ जाएगा, माइनस 82 माइनस 32 इज इक्वल 9/5 टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा आंसर, 50 इज इक्वल 9/5 टेम्परेचर इन फॉरनाइट स्केल। 5 के साइड में जाकर मल्टीप्लाई 9 डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसको इस साइड पर लेके होगा 5 ऊपर और 9 नीचे, 50 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसे डिवाइड करोगे, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपने खुद कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख लेना। अच्छा नेक्स्ट एक सवाल और, मैं कहता हूँ कि 100 केल्विन को कन्वर्ट करो फारेनहाइट स्केल में। लो जी, किसने को 100 केल्विन को कन्वर्ट करना है फारेनहाइट स्केल में। देखो आपको जी केल्विन का तो ये फार्मूला है, फारेनहाइट स्केल का ये फार्मूला है, डायरेक्ट तो फार्मूला कोई दिया ही नहीं हुआ। तो बच्चे याद रखिएगा, सबसे पहले आप क्या करो जी, टेम्परेचर इन केल्विन से क्या निकालोगे, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पुट करोगे फारेनहाइट स्केल निकल आएगा। तो लेट्स स्टार्ट, सबसे पहले आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड मालूम करेंगे। टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर, ये कैलकुलेटर निकाल लो, ये थोड़ी सी ना कैलकुलेशन करनी पड़नी है। तो टेम्परेचर इन केल्विन है 100 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। अगर टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड देखा जाए तो 100 इस साइड से जा इस साइड पर आएगा, 100 माइनस 273 माइनस 173 आंसर आ जाएगा, और यह आएगा डिग्री सेंटीग्रेड में। अब इसी को उठा के कहाँ पुट कर दो, इस फार्मूले में, और फारेनहाइट स्केल में निकल आएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर इन फारेनहाइट स्केल इज इक्वल टू 9/5 टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। चलो 9/5 टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड कितना है, माइनस 173 प्लस 32। इसको सॉल्व करके बताओ, 9 को 173 से मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड करना 5 पे, फिर इसमें क्या कर देना, 32 ऐड कर देना, इसमें क्या कर देना, 32 ऐड कर देना, जो भी आंसर आए वो आपने यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख लीजिएगा। अच्छा चलो इसके बाद एक और चीज़ आओ। अच्छा क्या आपका कुछ जहन कहता है कि कोई ऐसा टेम्परेचर होगा, देखो आपका हमने टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड रखा, 32 फारेनहाइट स्केल को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट किया तो कितना आया, 32 का कुछ ना कुछ यहाँ पे आंसर आएगा, जी कैलकुलेट हमने नहीं किया था, इसका क्या आया था, 2.77 नहीं होगा वो, उसका होगा सही है। चलो इसका, चलो ये छोड़ो, इस पे आ जाओ, 100 डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट किया कहाँ पे आया, 212 पे, कितना आया 212 पे। देखो 100 का आंसर आ रहा है 212। अच्छा क्या कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है, सोच के बताइएगा, कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जहाँ पे आपका डिग्री सेंटीग्रेड का जो आंसर पुट करो यहाँ पे भी वही आंसर आए, कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल है, मतलब देखो मैंने यहाँ पे 100 पुट किया था तो आंसर क्या 212, भाई यहाँ पे 100 पुट करो तो यहाँ पे आंसर भी 100 ही आए, क्या ऐसा कोई टेम्परेचर पॉसिबल है या नहीं है, ये क्वेश्चन है आपसे। वो कौन सा टेम्परेचर है, ये पास पेपर में एमडी कैट में ये एमसीक्यू आया हुआ था, एट विच टेम्परेचर किस टेम्परेचर पर फारेनहाइट स्केल इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड, वो कौन सा टेम्परेचर है जहाँ पे फारेनहाइट स्केल और डिग्री सेंटीग्रेड दूसरे के बराबर है, मतलब आप जो वैल्यू यहाँ पर रखोगे उसको कन्वर्ट करोगे वही वैल्यू वहाँ पे आएगी। ये एंट्री टेस्ट का क्वेश्चन है एमडी कैट के, और याद रखिए वो वैल्यू है -40। आओ कह जी प्रूव करके दो, प्रूव करते हैं, लेट्स सी, इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, टेम्परेचर इन फारेनहाइट स्केल इज इक्वल टू 9/5 टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। 9/5 टेम्परेचर इन फारेनहाइट स्केल कितना है हमारे पास, -40 प्लस 32, मतलब मैंने डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर रख दिया और मेरा आंसर क्या आना चाहिए, -40 ही आना चाहिए। चले 9/5 बार 9/8 बार 40 और 9/8 बार 72, लेकिन किसका माइनस, और यहाँ आ जाएगा +32 और आंसर निकालोगे -40, मतलब -40 वो वैल्यू है जहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड और फारेनहाइट स्केल बराबर हो जाते हैं।
अच्छा इसी तरह अगर मैं पूछूं कि कोई ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन बराबर हो जाए, कोई ऐसा टेम्परेचर पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप यहाँ पे कोई भी चीज़ पुट करो ये दोनों बराबर हो जाएं, सही कभी नहीं। लेकिन इसमें पॉसिबल है, ये याद रखिएगा। कौन सा टेम्परेचर याद रखिएगा, ये बात जब ना अगर एमसीक्यू पूछना हुआ तो कॉन्सेप्टिव एमसीक्यू, तो ये वाला एमसीक्यू है। -40 वो वैल्यू है जहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड और फारेनहाइट स्केल एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। भाई ये बात याद रखिएगा, यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।